नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंडकू अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सुपर फूड किनवा बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। न्यूट्रिशियस होने के साथ ये बहुत हेल्दी और डिलीशियस भी है। सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है। ये एक ग्रेट मील है जिसे हम लंच और डिनर दोनों में ऐड कर सकते हैं। किनवा बनाने के लिए मैं एक बाउल किनवा ले रही हूँ और उसमें एक बाउल पानी डालकर उसे 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर लेते हैं। जब तक किनवा डिप है, हम इसके लिए वेजिस रेडी कर लेते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ब्रोकली, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैबेज और मटर ऐड कर रही हूँ। इसे हम टेस्टी के साथ कलरफुल भी बनाएंगे। 15 मिनट हो गए किनवा का डिप हुए। अब हम इसे प्रेशर कुकर में सेम क्वांटिटी में पानी डालकर, जैसे एक बाउल किनवा हमने लिया तो एक बाउल ही पानी लेकर इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेते हैं और एक विजल होने पर गैस ऑफ कर देंगे और 2-3 मिनट बाद प्रेशर कुकर को खोल लेंगे, जिससे किनवा रेडी हो जाए। फिर हम इसे तड़का लगा देंगे। अगर आप किनवा को पैन में बॉईल करना चाहते हैं तो एक बाउल किनवा को आप 2 बाउल पानी ऐड करके और उसे कवर करके पका लें। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं और पानी सूख जाने पर गैस ऑफ कर दें। किनवा रेडी हो जाएगा। ये चावल की तरह ही पकता है। इट्स सिमिलर टू राइस। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। इसे तड़का हम ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल में लगाएंगे। उसके लिए मैंने 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है। और अब इसमें हम पहले जीरा ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच जीरा है। ये 4 लहसुन की कलियां हैं जो मैंने बारीक चॉप की हैं, और एक मीडियम साइज का प्याज है। इन्हें सौते कर लेते हैं और अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। हमने इसमें कोकोनट ऑयल यूज किया है बिकॉज इट्स गुड फॉर फैट बर्निंग एंड बूस्ट हार्ट हेल्थ ऑल्सो। प्याज को भी सौते कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश अदरक को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें हम वेजिस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलीफ्लावर ऐड करेंगे, ये कैबेज, कैरेट और ये ब्रोकली है। और अब इसमें हम मटर ऐड करते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वेजिस को स्टीम करके किनवा में ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से वेजिस को स्टर फ्राई करना चाहते हैं तो इससे ये थोड़ी टेस्टी लगती है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच हल्दी है और 2 पिंच ही गरम मसाला। आप रेड चिली पाउडर की जगह इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हम वेजिस के साथ मिक्स कर लेते हैं। किनोआ 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। इसकी और भी बहुत बेनिफिशियल रेसिपीज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक चॉप की हुई हरी मिर्च है, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब वेजिस को कवर करके हम 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं वेजिस को पकते हुए। हम वेजिस को क्रंची ही रखेंगे। अब हम इसमें किनवा ऐड कर लेते हैं और वेजिस के साथ उसे मिक्स कर लेते हैं। ये किनवा देखिए कितना खिला खिला सा बना है। पानी की मात्रा आप इसमें सही डालेंगे तो इसी तरह से बनेगा। किनवा से खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसकी खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो 3 हिस्से किनवा और 1 हिस्सा दाल लेकर आप सेम मेथड से इसे बना सकते हैं। किनवा बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। किनवा 3 तरह का होता है, वाइट, रेड और ब्लैक। वाइट को आप इस तरह वेजिस के साथ और खिचड़ी में यूज कर सकते हैं, रेड और ब्लैक सैलेड के काम आता है। अब हम ब्रोकली, बारीक कटी टमाटो स्लाइस,
हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ इसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं। किनोआ वेट लूज में भी हेल्पफुल है, आप इसे रोटीन मील में भी ऐड कर सकते हैं। आप भी इसे बनाएं और बताएं कैसा बना है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।